Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 बताई थी। आज हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 की ओर, जिसमें हम सीखेंगे डिस्काउंट संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करना, इंक्रीज और डिक्रीज संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू सेलिंग एंड बाइंग, यानी खरीदने और बेचने संबंधी प्रश्नों को भी हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने लिए हैं, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। जैसे हमारा पहला है इंक्रीज परसेंट, यानी किसी में कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। जैसे किसी की सैलरी अभी 10,000 थी लास्ट ईयर और अब बढ़कर के मान लीजिए उसकी 12,000 हो जाती है, तो उसके कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। इस तरह की कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज इनटू 100 अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमारी जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसको हम बेस वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज परसेंट, उसी तरीके से डिक्रीज इनटू 100 अपॉन बेस वैल्यू, और यानी जो कितना डिक्रीज हो गया वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो बेस वैल्यू प्रीवियस वैल्यू है वो वाली। डिस्काउंट परसेंट में हमेशा मार्क प्राइस को बेस वैल्यू लिया जाता है, तो डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, यानी हमारा खरीदने और बेचने संबंधी प्राइस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने डिस्कस किया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? प्राइस एट विच थिंग इज बॉट, यानी जिस पर कोई थिंग खरीदी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसे सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में SP कहते हैं और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में SCP कहा जाता है। दैट इज SP इक्वल टू ए प्राइस एट विच थिंग इज सोल्ड, जिस पर प्राइस वो प्राइस जिस पर थिंग्स बेची जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड कंसेप्ट आपका व्हेन CP इज लेस देन SP, इट मींस SP इज ग्रेटर देन CP, जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है। तो नंबर एक, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए उसी तरीके से प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, CP को यहाँ पर बेस वैल्यू माना जाता है। इस तरह के बाद SP निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है CP इंटू 100 अपॉन 100 CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यानी SP इक्वल टू होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और CP इक्वल टू होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेम ऐसे ही आपका व्हेन CP ग्रेटर देन SP, यानी इस सिचुएशन में जब SP हमारा कम होगा CP ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लॉस हो जाएगा। दैट इज लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, जो डिफरेंस आएगा उसका लॉस हो गया। दैट इज लॉस परसेंट हमारा क्या होगा? लॉस इंटू 100 अपॉन CP, ये हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। और CP क्या होगा? CP यहाँ पर SP यानी सेलिंग प्राइस उस कंडीशन में क्या होगा? सेम वैसा ही है जैसे यहाँ पर प्लस प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ माइनस है क्योंकि लॉस है, कम हो जाएगा। सो दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। एंड कॉस्ट प्राइस इन केसेस ऑफ लॉस दैट इज SP इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। आफ्टर दैट योर एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए हमें जो हमने अभी फॉर्मूला बताया है वो सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करने हैं। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जिसमें कहा गया है मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में हमने क्या किया है, लेट द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स, हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी सैलरी एक्स है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हमारा 10% उसका इंक्रीज है, तो इंक्रीज है इन सैलरी, सैलरी में इंक्रीज कितना हो जाएगा? है कितने ओरिजिनल सैलरी उसकी एक्स है, इंक्रीज होगा इसी में होगा, तो कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन सैलरी इक्वल टू 10% ऑफ दिस सैलरी, यानी जो सैलरी है उसका 10% ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे 10% ऑफ 10 अपॉन परसेंट हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा इक्वल टू इन टू एक्स इक्वल टू 0 से 0 कट गया, एक्स का 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? एक्स अपॉन 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? इंक्रीज सैलरी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट न्यू सैलरी 1,54,000 है, नई सैलरी है 1,54,000 है, तो फिर नई सैलरी क्या होगी? जो ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज, दोनों को प्लस कर दीजिए, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 1,54,000। इसे सॉल्व करने के लिए इसके अपॉन 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, 10 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 10 हो गया, 10 हो गया। तो इसके बाद अब इसके 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो फिर 10 आएगा और 10 का एक्स से मल्टीपल हुआ तो 10x हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का एक्स मल्टीपल करेंगे एक्स आ जाएगा, दैट इज 10x और एक्स कितना होगा? 11x अपॉन 10, ये हमें मिल गया 11x अपॉन 10। तो हमारा कितना हो गया?
ओरिजिनल सैलरी ऑफ द मैन इक्वल टू एक्स, और एक्स कितना है हमारा 1,50,000, यानी उसकी सैलरी कितनी है 1,40,000 थी ओरिजिनल सैलरी उसकी। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल वेटिंग द जू ऑन मंडे, मंडे को कितने परसेंट पीपल कम हो गए। तो देखिए, पीपल वेंट जू ऑन संडे 845, पीपल वेंट जू ऑन मंडे 169, अब पीपल डिक्रीज ऑन मंडे कितने कम हो गए, तो ये 169 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 676, इतने परसेंट कम हो गए। अब डिक्रीज परसेंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज इनटू 100 अपॉन बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या है 845। सॉल्व करते हैं, डिक्रीज 676 है इनटू 100 अपॉन बेस वैल्यू 845। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया, 5 से इसको कट कर दिया, 5 से 20 टाइम कट गया, 5 से 169 कर दिया अपॉन 845, 5 में 5 ठीक है, 3 बचा, 5 6 जा 30, कितना बचा 4, और हो गया 45, तो कितना हो गया हमारा 5 9 जा 45, यानी 169 आ जाएगा। 169 को 13 से कट करेंगे 13 बार कटेगा, 13 से 676 को कट किया तो 52 बार कट गया, अब फिर 13 से 30 बन जा 13 और 13 4 जा 52, और 4 का ये 20 से मल्टीपल होगा तो कितना आया, यानी 80% पीपल डिक्रीज हो गए ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को 80% पीपल कम गए। और थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये शॉपकीपर बायस 80 आर्टिकल फॉर रुपीस 2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ रुपीस 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो देखिए, एज यू हैव गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है रुपीस 2400, तो हमें जो सेलिंग प्राइस निकालना है वन आर्टिकल का निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस भी वन आर्टिकल का निकाल लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, यानी 80 का इतना है तो वन का 2400 अपॉन 80, 0 0 कट गया, 8 3 24, दैट इज रुपीज 30 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एंड एज वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑन द प्रॉफिट ऑफ 16% प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट 16% है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल हमारा कितना हो जाएगा, सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन द प्रॉफिट बेसिस। तो आपका सीपी हमारा कितना है वन आर्टिकल का 30 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा 16 है अपॉन 100, सॉल्व करते हैं, ये 30 ऐसे रहेगा, 100 प्लस 16 अपॉन 0 से 0 कट गया, इसका ऐसे मल्टीपल कर दिया 3 का 16 तो 348 आ गया, अपॉन में 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट का लग जाएगा, दैट इज 34.8 होगा। अब क्योंकि रुपीस में है तो हम रुपीस जो पैसे लिखते हैं अप टू 2 डेसिमल डिजिट तक लिखते हैं, इसलिए हमारा ये एक जीरो और बढ़ा देते हैं, इस तरह हमारा इसका सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल होगा 34.80 रुपीज, यानी 34.80। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537. After that, your question number 4, in which saying that the cost of an article was rupees 15,500 and rupees 450 were spent on its repair, if it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. यानी कोई आर्टिकल है जिसकी जो कॉस्ट थी 15,500 थी और इसके रिपेयर पर 450 रुपीज रिपेयर पर स्पेंड हुए, खर्च हुए, अब उसने उसको 15% प्रॉफिट से बेच दिया, तो आपको इसका सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए, सीपी ऑफ एन आर्टिकल 15,500 है, स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर हमारा 450 है, तो टोटल सीपी यानी जो रिपेयर है, एक्स्ट्रा चार्ज या स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन किसी पे भी अगर खर्च होता है उसी में प्लस हो जाता है, यानी सीपी प्लस हो जाता है, टोटल सीपी हमारा आएगा वो 15,500 प्लस 450, दोनों प्लस कर लेंगे कितना होगा 15,950 रुपीज हमारा टोटल सीपी हो गया। एज वी हैव टू फाइंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ 15%, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना करना 15% है, तो सेलिंग प्राइस हमारा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो हम इनको क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं, सीपी हमारा कितना 15,950
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15 अपॉन 100 सॉल्व करते हैं, तो ये ऐसे जाएगा 100 प्लस 15 115 इंटू 0, 115 अपॉन 100, जीरो से जीरो कट गया। अब 1595 का 115 से मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 1,83,425 मिलता है, और इसमें जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक रेट वाला लग जाएगा। अब चूंकि रुपीस है तो 2 डेसिमल तक लिखते हैं तो एक जीरो और पढ़ा देते हैं। इस तरीके से आप ही समझिए, इसका पूरे नंबर का मल्टीपल कर दो और 100 से डिवाइड कर गए तो 2 डेसिमल लग जाएगा। सो आपका जो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल होगा वो 18,342.50 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है, ए बी सी आर एंड टीवी पर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। एक बी सी आर एंड टीवी 8,000 रुपीज की दोनों को खरीदा गया, 8,000 की दोनों को खरीदा गया। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन बी सी आर, यानी शॉपकीपर को 4% का लॉस होता बी सी आर पर, और प्रॉफिट एंड ए प्रॉफिट 8% ऑन द टीवी, और टीवी पर उसका 8% प्रॉफिट होता है। तो आपको फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन पर उसको बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग निकालते हैं। तो सीपी ऑफ ईच ऑफ बी सी आर एंड टीवी, प्रत्येक का जो सीपी है वो 8,000 है। लॉस ऑन बी सी आर 4%, तो एसपी ऑफ बी सी आर एसपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है लॉस के केस में, लॉस वाली कंडीशन है। तो सीपी हमारा कितना, 8,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 अपॉन 100 से सॉल्व करते हैं, तो ये 100 में 4 का 96 अपॉन 100, ये हमारा इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 का मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो 96 में 80 का जो मल्टीपल करते हैं तो मिलता है 7,680। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बी सी आर ऑन द लॉस ऑफ 4%। इसके बाद जो दिया प्रॉफिट ऑन टीवी, टीवी पर जो प्रॉफिट होता है कितना, 8% का प्रॉफिट होता है। एसपी ऑफ टीवी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सीपी कितना 8,000 है, 100 की जगह 100 आएगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट 8% है अपॉन 100, सॉल्व करते हैं इसको, तो 100 प्लस 8 108 अपॉन 100 आ जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 108 का और 80 का मल्टीप्लाई करते हैं मिलता है 8,640। अब हमारा ये दोनों का हमने एसपी फाइंड कर लिया, तो नेट यानी टोटल सीपी दो आर्टिकल 8,000 खरीदे गए थे, तो 2 × 8,000 दैट इज 16,000 उनका टोटल सीपी हो गया, और टोटल एसपी दोनों एसपी को प्लस कर देंगे, यानी टीवी का एसपी और पीसीआर का एसपी दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा इसको और उसे दोनों को, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों प्लस करेंगे तो हमें मिल गया 16,320 रुपीस। अब उसमें देख रहे हैं एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, दैट इज सीपी लेस देन एसपी, सो वी हैव गेन, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 16,320 में 16,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 320 रुपीस बचेगा। अब 320 हमारा क्या होगा, गेन परसेंट, गेन हो गया, गेन परसेंट फाइंड करना, गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन इनटू 100 अपॉन सीपी, तो गेन कितना 320 इनटू 100 अपॉन सीपी कितना है हमारा 16,000 है, तो ये 30 से 30 कैंसिल हो गए, 16 × 2 = 32, सो वी गेट द 2% ऑफ द गेन ऑन द होल ट्रांजैक्शन। सो इट इज एनफ फॉर दिस वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो कंटिन्यूस रूप से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।